नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। आज हम लोग जॉन कीट्स को डिस्कस करेंगे। ये वन ऑफ द रोमांटिक पोएट्स है। जॉन कीट्स से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, सारे फैक्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा, शुरू करते हैं। देखो, जॉन कीट्स को यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट बोला जाता है, ठीक है। जो रोमांटिक एज है उसमें मुख्यतः दो तरह के पोएट्स होते हैं। एक तो यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स होते हैं, जिसमें तीन होते हैं। एक तो जॉन कीट्स होते हैं, इसके अलावा पीबी शैली होते हैं और लॉर्ड बायरन होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इनको यंगर जनरेशन ऑफ पोएट बोला जाता है रोमांटिक एज का। और इसके अलावा होता है एल्डर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। तो एल्डर ग्रुप में तीन नाम उसमें भी आपको याद करना है। एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं, इसके अलावा एसटी कॉलरिज होते हैं, और एक होते हैं रॉबर्ट साउदी, ठीक है। तो दो चीजें आपको याद करना है। रोमांटिक एज में दो तरह के पोएट्स होते हैं। एक तो एल्डर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स होते हैं, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी होते हैं, और यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में जॉन कीट्स, पीबी शैली और लॉर्ड बायरन होते हैं। एक चीज और आप याद रखिएगा, रोमांटिक एज का जो टाइम पीरियड होता है वो कब से कब होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ की जब लिरिकल बैलेट पब्लिश होती है 1798 में, मोटे मोटे तौर पे तब से रोमांटिक एज की बिगिनिंग मानी जाती है। और विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के साथ, यानी 1850 में जब इनकी डेथ होती है, तो रोमांटिक एज का एंड भी माना जाता है। लेकिन एमएस अब्राहम कहते हैं नहीं, जब क्वीन विक्टोरिया सिंहासन पर बैठती हैं, यानी 1837 में, तब ही रोमांटिक एज की एंड हो जाती है और विक्टोरियन एज की बिगनिंग हो जाती है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। जॉन कीट्स का जन्म होता है 31 अक्टूबर 1795 में, इंग्लैंड में होता है। और जब इनका जन्म हुआ था उस जगह का नाम था मूरगेट, आज उसको फिन्सबरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लंदन में होता है, 1795 में होता है, मूरगेट में होता है, जिसको आज फिन्सबरी के नाम से जाना जाता है। इनकी डेथ कब होती है? 23 फरवरी 1821 में होती है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जब जॉन कीट्स की डेथ होती है तो उस समय उनकी एज क्या थी? याद रखिएगा, उनकी एज होती है 25 ईयर्स 3 मंथ्स 22 डेज। तो ऑप्शन में आपके 25 मिलता है, तो याद रखिएगा जॉन कीट्स की जब डेथ होती है तो उस समय उनकी एज कितनी होती है? 25 ईयर्स होती है। और वहीं पीबी शैली की जब डेथ होती है तो उनकी एज क्या होती है? तो 30 ईयर्स होती है। ये भी आप याद रखिएगा। जॉन कीट्स की डेथ होती है रोम में। जन्म होता है इंग्लैंड में, लेकिन डेथ होती है रोम में। और जब ये मरते हैं तो अपने फ्रेंड सेवन की गोद में मरते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न पूछा गया है, जॉन कीट्स के फादर का नाम होता है टॉमस कीट्स, और ये होते हैं स्टेबल कीपर, और इनकी मदर का नाम होता है फ्रांसिस कीट्स। जॉन कीट्स के जो फादर होते हैं टॉमस कीट, एक बार घुड़सवारी कर रहे थे तो घोड़े से गिर जाने की वजह से स्कल फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, खोपड़ी में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं फ्रांसिस कीट्स, जो जॉन कीट्स की मदर होती है, इनको टीबी हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी वजह से इनकी भी मृत्यु हो जाती है। जॉन कीट्स अनमैरिड होते हैं, इनकी शादी हो नहीं पाती है, लेकिन इनका लव अफेयर दो लोगों के साथ था। एक तो इजाबेल के साथ था और दूसरा फेनी ब्राउन के साथ था। ये वही महिला है फेनी ब्राउन, जो शुरू में जॉन कीट्स को एनकरेज करती हैं और बाद में ये कह के शादी से मना कर देती हैं कि जॉन कीट्स की जो हाइट है वो कम है। और एक्चुअली रियल में कारण ये भी होता है कि जॉन कीट्स के मदर की और जॉन कीट्स के एक भाई की डेथ ट्यूबरक्लोसिस से हो जाती है, और इवन जॉन कीट्स को भी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी पकड़ लेती है, जिसकी वजह से फेनी ब्राउन ने कहीं ना कहीं जॉन कीट्स को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। जॉन कीट्स की एक छोटी सी लाइफ जर्नी है। जॉन कीट्स हमें अच्छे से पता है 25 ईयर्स की एज में मर जाते हैं, तो छोटी सी इनकी एक लाइफ की जर्नी होती है, क्या कुछ होता है जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जॉन कीट्स कुल चार भाई बहन थे, ठीक है, जिसमें से तीन भाई थे और एक बहन होती है, जिसमें से दो भाइयों की मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस से हो जाती है। जॉन कीट्स होते हैं, एक और भाई की मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस से होती है। और अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इनकी मदर की भी मृत्यु जो है ट्यूबरक्लोसिस से ही होती है। जॉन कीट्स जब 7 साल के थे, यानी 1803 में, तब इनका स्कूल में नाम लिखवाया गया था, और इनका नाम लिखवाया गया था जॉन क्लार्क के स्कूल में, जो कि इंग्लैंड में इनफील्ड में है। फिर 8 साल के जब होते हैं, यानी एक ही साल के बाद 1804 में, इनके फादर की डेथ हो जाती है, जो कि अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इनके फादर की डेथ होती है स्कल फ्रैक्चर की वजह से, ठीक है।
और जॉन कीट्स जब 14 इयर्स के होते हैं यानी 1810 में इनकी मदर की डेथ हो जाती है। किसकी वजह से? ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। उसके बाद जॉन कीट्स अप्रेंटिस करना स्टार्ट करते हैं मेडिकल फील्ड में, और ये अप्रेंटिस इन्होंने स्टार्ट किया था किसके सुपरविजर में? टॉमस हैमंड के सुपरविजर में। ठीक है, अपोथिकेरी का मतलब होता है जहां पे दवाइयां बनाई और बेची जाती हैं, वहां पे इन्होंने अप्रेंटिस स्टार्ट किया था। और इस अप्रेंटिस के लिए इनको एक सर्टिफिकेट भी मिला था 1816 में, जिसको इन्होंने गिव अप कर दिया था और अपना पूरा करियर राइटिंग के फील्ड में लगा दिया था। विलियम शेक्सपियर की तरह जॉन कीट्स भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और जो फ्रेज विलियम शेक्सपियर के लिए अप्लाई होता है सेम फ्रेज जॉन कीट्स के लिए भी अप्लाई होता है कि जॉन कीट्स भी लिटिल लैटिन और लेस ग्रीक जानते थे। और राइटिंग के फील्ड में जो सबसे पहले जॉन कीट्स प्रयास करते हैं लिखने के लिए वो वर्क होता है एनिमिटेशन ऑफ स्पेंसर, और ये प्रयास होता है 1814 में। जॉन कीट्स फेनी ब्राउन को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और फेनी ब्राउन रिटर्न में जॉन कीट्स को पसंद करती थी। शुरू में तो बहुत ज्यादा जॉन कीट्स को उन्होंने एनकरेज किया, बाद में ये कहते हुए जॉन कीट्स को छोड़ देती है कि जॉन कीट्स की हाइट बहुत छोटी है। और जॉन कीट्स फेनी ब्राउन के बीच में जो लव अफेयर्स की केमिस्ट्री होती है वो अगर आपको समझना है तो इनकी एक पोएम आप पढ़ेंगे ला बेल्डेंसेस मर्सी, उसमें बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा। जॉन कीट्स के लाइफ में 1819 का ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि 1819 वो ईयर होता है जिसमें जॉन कीट्स का जो लिटरेरी करियर होता है वो अपने कल्मिनेशन पॉइंट पर होता है, यानी उच्चतम बिंदु पर होता है। जॉन कीट्स 1819 में ना सिर्फ अच्छे अच्छे वर्क्स लिखते हैं बट बहुत सारे वर्क्स लिखते हैं। ये प्रश्न पीजीटी 2013 में पूछा भी जा चुका है कि जॉन कीट्स का कल्मिनेशन पीरियड कौन सा ईयर होता है, तो वो होता है 1819। इन्होंने 1819 में ना सिर्फ छह अपने महत्वपूर्ण ओड लिखे, वो कौन कौन से ओड थे? ओड टू शाइकी, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड ऑन मेलंकली और ओड ऑन इंडोलेंस। इसके अलावा जॉन कीट्स ने लिखा था द यू ऑफ सेंट एग्नेस, ला बेल्डेंसेंस मर्सी, हाइपेरियन, लामिया, और इनकी एक एक लिरिकल ट्रेजेडी आती है ओथो द ग्रेट, वो भी इन्होंने 1819 में ही लिखा है। इसके अलावा जॉन कीट्स के कुछ माइनर ओड्स भी हैं, ओड टू अपोलो, ओड टू नेपच्यून, ओड टू सौरो, ओड टू डायना और ओड टू फैंसी। ठीक है, तो ये भी कुछ माइनर जॉन कीट्स के ओड हैं, वो भी आप याद रखिएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा दो ओड के हर एक लाइंस आपको पढ़ने हैं, एक तो ओड टू नाइटिंगेल और इसके अलावा ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दो ओड्स हर लाइन आपको बहुत ही डिटेल में पढ़नी है। इसके अलावा ला बेल्डेंसेस मर्सी, ये जो पोएम है इसको इन्होंने 1819 में ही लिखा है, इसकी भी हर एक लाइन को आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग जॉन कीट्स के कुछ पॉपुलर सोनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जॉन कीट्स लगभग 64 सोनेट्स लिखे हैं। इन्होंने जो भी सोनेट लिखा है वो 1815 और 1819 के बीच में लिखा है। जॉन कीट्स के सोनेट की जो थीम होती थी वो होती थी ब्यूटी, मॉर्टेलिटी या फिर फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ। जॉन कीट्स ने जो भी सोनेट लिखा है वो इटालियन मॉडल यानी पेट्रार्कन मॉडल पे लिखा है, यानी ऑक्टेव सिस्टेट के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, 8 लाइन और 6 लाइन दोनों के बीच में क्या होता है? सेजुरा या पॉज होता है। तो इसी फॉर्म में जॉन कीट्स ने अपने सारे सोनेट लिखे हैं। कौन कौन से सोनेट लिखे हैं जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट सोनेट को डिस्कस कर लेते हैं। पहली इनकी जो सोनेट होती है वो होती है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन सोमर। ये प्रश्न पूछा गया है जॉन कीट्स की पहली सोनेट कौन सी होती है और लास्ट सोनेट इनकी कौन सी होती है। तो पहली सोनेट होती है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन सोमर, इसको इन्होंने लिखा है 1815 में। और लास्ट जो सोनेट होती है वो होती है ब्राइट स्टार, ठीक है, इसको इन्होंने 1820 में लिखा है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा जॉन कीट्स ने जो सोनेट लिखे है उसके टॉपिक है व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी, उसके बाद होमर पर, स्पेंसर पर, चैटरटन पर, माय ब्रदर्स पर, इन सब पर इन्होंने सोनेट लिखा है। चैटरटन वो राइटर होते हैं जिनकी मृत्यु कितने साल के एज में हो जाती है? 18 इयर्स के एज में हो जाती है। तो इनको भी टॉपिक बनाकर जॉन कीट्स ने सोनेट लिखा है। टू ह्यूमन सीजन पर लिखा है सोनेट, ऑन द ग्रॉस हॉपर एंड क्रिकेट पर भी सोनेट लिखी गई है, टू वन हु हैज बीन लॉन्ग इन सिटी पेंट, और इसके अलावा ऑन द सी, ऑन द सोनेट, यानी सोनेट पर सोनेट किसने लिखा है? तो जॉन कीट्स ने लिखा है।
और स्कॉट नॉट द सॉनेट टाइटल से किसने सॉनेट लिखा है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। अब हम लोग जॉन कीट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जॉन कीट्स ग्रीक मिथोलॉजी और ग्रीक लिटरेचर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। हालांकि ग्रीक उसको आती नहीं थी, लेकिन जितने भी राइटर्स ग्रीक लिटरेचर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे वो उसको खूब पढ़ता था और उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इसलिए जॉन कीट्स के बहुत सारे पोएम्स आप देखेंगे वो ग्रीक मिथोलॉजी या ग्रीक लिटरेचर से इन्फ्लुएंस्ड मिलेगा, ठीक है। उसमें से एंडिमियन भी है। एंडिमियन जॉन कीट्स ने लिखा था, याद रखिएगा, 1818 में। ये एक पोएटिक रोमांस है। एंडिमियन एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, फोर पार्ट्स में लिखी जाती है। और किस में लिखी जाती है, हीरोइक कपलेट में लिखी जाती है, यानी टू लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखी जाती है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, प्रश्न बन सकते हैं। और इस पोएम की थीम ग्रीक मिथोलॉजी से बारो की गई है। इस पोएम में मून गॉडेसेस सिंथिया होती हैं और ग्रीक सेफर्ड इंडिमियन होता है। इन दोनों के बीच में लव अफेयर्स को दिखाया गया है। जॉन कीट्स, याद रखिएगा, इस पोएम को किसको डेडिकेट किए हैं, टॉमस चैटरटन को, ठीक है। ये एक प्री रोमांटिक पोएट होते हैं और इनकी मृत्यु 18 साल की एज में हो जाती है। तो इस पोएट को जॉन कीट्स ने इस पोएम को डेडिकेट किया है। और इस पोएम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है ब्लैक वुड्स मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू के द्वारा। ये प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है। जॉन लेली ने भी, याद रखिएगा, इंडिमियन टाइटल से एक प्ले लिखा है, लेकिन जॉन कीट्स की जो इंडिमियन है ये एक पोएम है। जॉन कीट्स खुद इंडिमियन लिखकर सेटिस्फाइड नहीं थे। वो कहते थे कि जिस पर्पज से उन्होंने इस वर्क को लिखा था वो पूरा नहीं हुआ। ये एक्चुअली उनका एक फेवरिस अटेम्प्ट था, एक एक्साइटमेंट में लिखा गया, जल्दबाजी में लिखा गया एक वर्क था। इसकी बहुत ही पॉपुलर लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और इस लाइन का मतलब ये है कि ब्यूटी कभी न समाप्त होने वाली जॉय और प्लेजर को लाती है। समय के साथ ब्यूटी की सुंदरता और बढ़ जाती है और ब्यूटी की जो ब्यूटी है वो कभी समाप्त तो नहीं होती है। इसके अलावा जॉन कीट्स की कुछ पॉपुलर पोएम्स हैं, जैसे कि लामिया इजाबेल, इसका दूसरा टाइटल है, पॉट ऑफ बैसिल, यू ऑफ सेंट एग्नेस और यू ऑफ सेंट मार्क। ये जितने भी पोएम हैं ये पब्लिश होते हैं 1820 में। हालांकि लामिया, यू ऑफ सेंट एग्नेस और यू ऑफ सेंट मार्क ये लिखे जाते हैं 1819 में और पब्लिश होते हैं 1820 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला है लामिया। लामिया जॉन कीट्स की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इसका सोर्स जॉन कीट्स ने लिया है बर्टन के एनाटॉमी ऑफ मेलंकली से, ठीक है। सारी की पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। इसकी थीम क्या है, लामिया की जो थीम है वो लव इल्यूजन डिजायर, और खास करके फॉरबिडन लव अगर कोई परस्यू करता है तो उसका परिणाम क्या होता है वो इस पोएम में दिखाया गया है। लामिया एक नैरेटिव पोएम होती है, 700 लाइंस इसमें होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें लामिया की स्टोरी बताई गई है। लामिया एक ब्यूटीफुल वुमेन होती है। कभी वो एक सरपेंट थी, यानी सांप थी, लेकिन एक गॉड होते हैं जिनका नाम होता है हरमिन्स, वो उसको एक औरत के रूप में बदल देते हैं, ठीक है। जब ये एक ब्यूटीफुल वुमेन हो जाती है तो इसको लव हो जाता है एक यंग लड़के से और उसका नाम होता है लाइसियस, ठीक है। लाइसियस और लामिया के बीच में लव अफेयर्स हो जाता है और लामिया से भी ज्यादा लाइसियस लामिया को पसंद करता है, और लाइसियस को लामिया पर इतना फेथ होता है कि वो जो है ये समझता है कि लामिया उसको कभी छोड़ नहीं सकती है, धोखा नहीं दे सकती है। लेकिन इनकी जो खुशी है वो थोड़े समय के लिए ही रहती है। उसके पीछे कारण ये होता है कि लाइसियस एक फिस्ट का आयोजन करता है, शादी के पहले एक दावत का आयोजन करता है। हालांकि लामिया इस बात से मना करती है फिस्ट देने के लिए, लेकिन लाइसियस फिस्ट का आयोजन करता है और बहुत सारे लोगों को बुलाता है। और उसमें एक फिलोसोफर भी आते हैं, उनका नाम होता है एपोलोनियस, ठीक है। चूंकि ये फिलोसोफर थे और ये लामिया को देखते ही उसको पहचान लिए कि ये तो पहले क्या थी, एक सरपेंट थी, और इस बात को उन्होंने वहां पे डिस्क्लोज कर दिया। लामिया के जो ट्रू आइडेंटिटी है उसको उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, और जिसकी वजह से लामिया वहां से चली जाती है। और जब लामिया चली जाती है तो लाइसियस लामिया के दुख में वो भी मर जाता है,
ये स्टोरी है जो कि फॉरबिडन लव था, किसी सर्पेंट से कोई लव ह्यूमन बीइंग तो नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जब किया गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद जॉन कीट्स की बहुत ज्यादा पॉपुलर पोएम है इजाबेल, जिसका सब टाइटल है द पॉट ऑफ बेसिल। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जॉन कीट्स ने इजाबेल का जो सोर्स है वो कहाँ से लिया है? योनी बोकेसियो के डेकामेरॉन से लिया है। ठीक है, इस पोएम की जो थीम होती है वो होती है लव, ग्रीफ और डेथ। और इस पोएम की कहानी क्या होती है? ये एक नरेटिव पोएम है, इसमें इजाबेल की दुखद कहानी को दिखाया गया है। इजाबेल एक ऐसी महिला होती है जिसका लव अफेयर होता है लोरेंजो के साथ। लोरेंजो एक हम्बल पीटी क्लर्क होता है, यानी एक बहुत ही विनम्र लेकिन तुच्छ क्लर्क होता है। कहाँ काम करता है? तो लोरेंजो इजाबेल के भाई के कंपनी में काम करता है। इजाबेल का जो भाई है वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि इजाबेल और लोरेंजो के बीच में लव अफेयर्स हो, बाद में ये शादी करें। लेकिन जब इजाबेल पीछे नहीं हटती है तो लोरेंजो को कंपनी के काम से भेजा जाता है इजाबेल के भाई के द्वारा, और इसकी हत्या करवा दी जाती है। जब इसकी हत्या करवा दी जाती है तो इजाबेल बहुत दुखी होती है। काफी ढूंढने के बाद इजाबेल लोरेंजो के डेड बॉडी को डेजर्टेड प्लेस में पाती है और उसके हेड को लाती है और उसको पॉट ऑफ बासिल यानी तुलसी के पात्र में बरी कर देती है, और उसी के दुख में वो भी मर जाती है। तो इस पोएम में लव, ग्रीफ और डेथ को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। पहले लव अफेयर्स होता है, फिर दोनों दुखी होते हैं, और फिर लास्ट में दोनों की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट वर्क है द यू ऑफ सेंट एग्नेस, जॉन कीट्स की ये मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क होती है। जॉन कीट्स ने इसको 1819 में लिखना स्टार्ट किया था और पब्लिश किया था 1820 में। यू ऑफ द सेंट एग्नेस लव, डिजायर और सुपरनेचुरल थीम पर लिखी गई है। इसकी सेटिंग कहाँ होती है? द मेडिवल कासल में होती है। ठीक है, एक बहुत पुरानी मान्यता होती है कि सेंट एग्नेस के पूर्व संध्या पर अगर आप कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, कुछ धार्मिक नियमों को पालन करते हैं, तो उसके बाद आप जो भी इच्छा प्रकट करेंगे वो साकार हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। तो इसी थीम पर ये पोएम लिखा गया है। इस पोएम की स्टोरी होती है, इसमें कैरेक्टर होती है मैडलिन। वो सेंट एग्नेस के पूर्व संध्या पर कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करती है और फिर इच्छा प्रकट करती है कि वो फ्यूचर में होने वाले हस्बैंड को ड्रीम में देखे, और ऐसा होता भी है। सचमुच में जो उसका लवर होता है पोर्फीरियो, वो आ जाता है। और ये जो पोर्फीरियो होता है वो मैडलिन के फादर के दुश्मन का लड़का होता है, जैसे कि स्टोरी होती है रोमियो एंड जूलियट में, ठीक वैसे ही होता है। और ये पोर्फीरियो इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो उसके महल में घुस जाता है, और इतना ही नहीं, इतनी खतरा होने के बावजूद भी वो मैडलिन को मना लेता है, और फिर ये दोनों भाग जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो ये स्टोरी होती है। नेक्स्ट पोएम है हाइपेरियन। जॉन कीट्स हाइपेरियन को एक इपिक पोएम की तरह लिखना चाहते थे। दो पार्ट में ये पोएम लिखी जाती है, एक तो हाइपेरियन एक फ्रैगमेंट होती है और दूसरा फॉल ऑफ द हाइपेरियन अ ड्रीम होती है। ठीक है, और ये जो हाइपेरियन फ्रैगमेंट में होती है ये थ्री पार्ट में होती है, और फॉल ऑफ द हाइपेरियन ड्रीम जो होती है इसमें दो कैंटोज होते हैं। हाइपेरियन को जॉन कीट्स लिखना स्टार्ट करते हैं 1818 से। ठीक है, और चूंकि इनकी डेथ हो जाती है 1821 में, इसलिए ये पोएम इनकम्प्लीट होती है। जॉन कीट्स हाइपेरियन का सोर्स ग्रीक मिथोलॉजी से लिए हैं, और इस पोएम की जो थीम होती है वो होती है पावर रिबेलियन, और ओल्ड और न्यू गॉड के बीच में स्ट्रगल दिखाया गया है इस पोएम में। इसमें जो न्यू गॉड होते हैं अपोलो, वो पुराने गॉड टाइटन्स को ओवरथ्रो कर देते हैं और सारा पावर खुद ले लेते हैं। ठीक है, जॉन कीट्स इस पोएम को लिखने के लिए ना सिर्फ ग्रीक मिथोलॉजी पर डिपेंड होते हैं, लेकिन इन्होंने दांते के इन्फर्नो, स्पेंसर और मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से भी सोर्स लिया है। ये भी आपको याद रखना है। जैसा मैंने आपको बताया, जॉन कीट्स ने हाइपेरियन को लिखना स्टार्ट किया था 1818 में, और 1821 में प्रीमेचर डेथ होने की वजह से इसको ये कंप्लीट कर नहीं पाते हैं। और इस पोएम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो होती है, इट इज द इटर्नल लॉ दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइंड। ये एक इटर्नल लॉ है, सार्वभौमिक नियम है कि अगर कोई चीज ब्यूटीफुल है तो समाज में उसको उसका एडवांटेज तो मिलता है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी के टर्म में हो या फिर इन्फ्लुएंस के टर्म में हो।
इसके अलावा जॉन कीट्स से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जॉन कीट्स को जाना जाता है इनके पोएट्री में हेलेनिक स्पिरिट के लिए। क्या कुछ होता है हेलेनिक स्पिरिट, जल्दी से समझिए। देखो, जॉन कीट्स ग्रीक नहीं जानते थे, इन्होंने डायरेक्टली किसी भी ग्रीक लिटरेचर को नहीं पढ़ा था, लेकिन बहुत सारे राइटर्स ग्रीक लिटरेचर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, उसको इन्होंने पढ़ा था। जैसे कि चैपमैन ने होमर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, तो जॉन कीट्स उसको बहुत अच्छे से पढ़े थे। इसके अलावा इन्होंने लेम्प्रायर लेम्प्रायर्स की एक डिक्शनरी होती है, जिसमें जितने भी ग्रीक मिथोलॉजी के टर्म्स हैं, इसको इन्होंने अपने डिक्शनरी में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, उसको इन्होंने पढ़ा था। और ग्रीक स्क्रिप्चर्स जो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, जॉन कीट्स ने उसको भी पढ़ा था। तो इस तरह से जॉन कीट्स पर ग्रीक लिटरेचर और मिथोलॉजी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। और उसका परिणाम क्या हुआ, इनके बहुत सारे पोएम्स में वो ग्रीक मिथोलॉजी और लिटरेचर का इनपुट आप देखेंगे, चाहे वो लामिया हो, इंडिमियान हो, हाइपेरियन हो, यू ऑफ सेंट एग्नेस हो, या फिर इनकी ओड्स आप देख लीजिए, ओड टू शाइकी हो, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न हो, ओड ऑन इंडोलेंस हो, इन सब में आपको ग्रीक इन्फ्लुएंस मिलेगा। इसीलिए जॉन कीट्स को जाना जाता है कि उनकी पोएट्री में हेलेनिक स्पिरिट है। हेलेनिक का मतलब आप ग्रीक से समझेंगे, और यही कारण है पीबी शैली जॉन कीट्स को ग्रीक बोलता है, ही इज अ ग्रीक। ठीक है, तो ये भी एक टर्म है जो पूछा गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। जॉन कीट्स के जो ओड्स हैं वो इरेगुलर ओड्स हैं। ओड्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं रेगुलर ओड और दूसरा होता है इरेगुलर। तो रेगुलर ओड कौन सा होता है, जो पिंडारिक और ग्रेसियन ओड्स होता है उसको हम रेगुलर ओड कहते हैं। रेगुलर ओड में क्या होता है, उसमें स्ट्रॉफे, एंटी स्ट्रॉफे और इपोड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जॉन कीट्स के किसी भी ओड्स में आपको स्ट्रॉफे, एंटी स्ट्रॉफे, इपोड का स्ट्रक्चर तो नहीं मिलता है। तो उस अकॉर्डिंग इनके जो भी ओड्स हैं वो क्या है, इरेगुलर ओड है। हालांकि जॉन कीट्स के बहुत सारे ऐसे ओड्स मिलेंगे जिनमें जो स्टेंजास है उसमें नंबर ऑफ लाइन सेम सेम है, जैसे ओड टू नाइटिंगल, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ओड टू मेलंकली और ओड टू इंडोलेंस। इन सभी में कितने लाइंस हैं, ध्यान रखना हर स्टेंजास में 10-10 लाइंस हैं। और इसी के साथ जो है एक इनकी और ओड आती है, ओड टू ऑटम, इसमें हर एक स्टेंजास में कितने लाइंस हैं, 11 लाइंस हैं। इसलिए ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्योंकि जॉन कीट्स के बहुत सारे ऐसे ओड्स हैं जिनमें जो भी स्टेंजास हैं नंबर ऑफ लाइन सेम सेम है, और अगर किसी स्टेंजास में नंबर ऑफ लाइन सेम सेम होते हैं तो वो रेगुलर ओड होने की क्राइटेरिया होती है। और जॉन कीट्स का जो कल्मिनेशन पीरियड होता है 1819 होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जॉन कीट्स की डेथ होती है 1821 में, और 1821 में ही पीबी शेली जॉन कीट्स के डेथ पर एक पास्टोरल एलजी लिखते हैं, एडोनिस अ थ्रेनोडी। थ्रेनोडी का मतलब होता है अ सॉन्ग ऑफ लैमेंट। ठीक है, और पास्टोरल एलजी का मतलब क्या होता है, इसमें पोएट खुद को सेफर्ड एज्यूम करेगा और जिसकी डेथ हुई रहेगी उसको भी सेफर्ड एज्यूम करके पूरी जो सेटिंग होती है वो पास्टोरल होती है, यानी देहात की होती है, फिर वो पोएम को लिखता है। जॉन कीट्स अपने पिक्टोरियल क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं अपने पोएट्री में, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज करते हैं जिससे रीडर के माइंड में कुछ इमेज या पिक्चर क्रिएट हो। जॉन कीट्स की एक माइनर ओड होती है, ओड टू अपोलो। इसकी पहली स्टेंजा को इन्होंने ड्रॉप किया था, ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। जॉन कीट्स कहते हैं, वी हेट पोएट्री दैट हैज पाल्पेबल डिजाइन अपॉन अस। देखो, जॉन कीट्स के बहुत सारे क्रिटिकल व्यूज, टर्म्स और बहुत सारे इनके ओपिनियंस लेटर्स में आते हैं। जॉन कीट्स ने बहुत सारे लेटर 1817 और 1818 में लिखे थे अपने फ्रेंड्स और अपने ब्रदर्स को, तो वहां से भी प्रश्न बनते हैं, वो भी आप याद रखिएगा। और वहीं की एक लाइन है, जॉन कीट्स कहते हैं, वी हेट पोएट्री दैट हैज पाल्पेबल डिजाइन अपॉन अस। पाल्पेबल का मतलब होता है जिसको आप टच कर सके। इस लाइन में जॉन कीट्स कहते हैं कि जो भी पोएट्री आर्टिफिशियल होती है, जिसको डेलिबरेट तरीके से लिखा जाता है, ऐसी पोएट्री को जॉन कीट्स हेट करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं। पोएट्री तो बिल्कुल जेन्यून और स्पोंटेनियस होना चाहिए, जो नेचुरली पोएट के हृदय से बाहर आनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन में जॉन कीट्स कहते हैं, पोएट्री शुड सरप्राइज बाई फाइन एक्सेस एंड ई पोएट्री शुड कम नॉट एज नेचुरली एज लीव्स टू ट्री, इट हैड बेटर नॉट टू कम एट ऑल। और इस लाइन में जॉन कीट्स कहते हैं कि पोएट्री में फाइन एक्सेस होना चाहिए, यानी उत्कृष्ट इमोशन और इमेजिनेशन इतना ज्यादा एबंडेंस हो, इतना ज्यादा भरपूर हो
कि वो रीडर को एस्टोनिश भी कर सके और कैप्टिवेट भी कर सके, उन्हें आकर्षित भी कर सके। और जिस तरह से पेड़ से पत्ते नीचे गिरते हैं, अगर पोएट्री पोएट के हृदय से ऐसे नहीं आ रही है तो बेहतर है कि पोएट्री ना ही लिखा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। इसके बाद नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये भी टर्म जॉन कीट्स ने कॉइन किया है वन ऑफ द लेटर्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रश्न इससे पूछा जाता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी स्टोरी में या पोएम में जो भी अनसर्टेनिटीज है, मिस्ट्रीज हैं, डाउट्स हैं, उसको बहुत ज्यादा क्लैरिफाई नहीं करना, हर एक चीज के लिए रीजन नहीं देना, जैसा सिचुएशन हो जिस कैरेक्टर के साथ वैसे होने देना, ये होता है नेगेटिव कैपेबिलिटी। और ये कैपेबिलिटी जॉन कीट्स में है और इसके अलावा विलियम शेक्सपियर में है। विलियम शेक्सपियर भी कुछ भी अपना खुद का एक्सपीरियंस किसी भी अनसर्टेनिटीज को या किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा जॉन मिल्टन के बहुत सारे पोएम्स में आप देखेंगे कि जॉन मिल्टन के खुद के व्यूज उसमें आपको दिखेंगे, चाहे वो पैराडाइज लॉस्ट हो, पैराडाइज रिगेन्ड हो या सैमसन एग्निस्ट हो। विलियम शेक्सपियर के प्लेस और जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, ये हमेशा जॉन कीट्स के लिए एक वंडर्स थे, एक आश्चर्य थे। वो हमेशा इन सारे वर्क्स में अच्छे अच्छे फ्रेजेस को ढूंढा करते थे। नेक्स्ट लाइन में जॉन कीट्स कह रहे हैं, अ पोएट इज द मोस्ट अनपोएटिकल ऑफ एनीथिंग इन एग्जिस्टेंस बिकॉज ही हैज नो आइडेंटिटी, ही इज कंटिन्यूअली इन फॉर एंड फीलिंग सम अदर बॉडी। जॉन कीट्स कह रहे हैं पोएट क्या होता है, एक अनपोएटिकल होता है, यानी वो पोएट तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पोएट हमेशा दूसरों के थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस में इतना ज्यादा डूब जाता है, इतना ज्यादा उसमें इमर्स हो जाता है कि उसके जो खुद के थॉट होते हैं वो ब्लर पड़ जाते हैं, वो धुंधले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन है, एडमायर मी आई एम वायलेट, डॉट अपॉन मी आई एम अ प्रिमोर्स। वायलेट और प्रिमोर्स ये दोनों फ्लावर्स के नेम है। डॉट अपॉन मी का मतलब बहुत ज्यादा प्यार करना। जॉन कीट्स इस लाइन में क्वालिटीज को अप्रिसिएट कर रहे हैं। अगर आप में क्वालिटी है तो आप उसको अप्रिसिएट करो, दूसरों की वैलिडेशन या अप्रूवल की उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे वायलेट और प्रिमोर्स, याद रखिएगा, मेटाफोरिकली यूज किया गया है क्वालिटीज के लिए। तो ये भी वन ऑफ द लेटर्स में जॉन कीट्स ने बोला है। नेक्स्ट लाइन में जॉन कीट्स कहते हैं कि अगर अभी मैं मर जाऊं तो मैंने ऐसा कोई भी इमॉर्टल वर्क नहीं लिखा है जिससे मेरे फ्रेंड्स मुझे याद करें। जॉन कीट्स कहते हैं कि मैं तो हमेशा हर चीज में ब्यूटी के सिद्धांत को पसंद किया हूं, और अगर मेरे पास और समय मिला तो मैं ऐसा वर्क जरूर लिखूंगा जिससे लोग मुझे याद करेंगे। ठीक है, तो ये भी लाइन जॉन कीट्स ने बोला है। नेक्स्ट लाइन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। एक और लाइन है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। ये लाइन ओड ऑन ग्रेसियन अर्न से है। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न की सारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पोयम आपको पढ़ना है। इस लाइन में कल्पना को, इमेजिनेशन को रियलिटी से बेहतर बताया गया है। रियल में जिस मेलोडीज को, जिस स्वर को आप सुनते हैं वो मीठा तो होता है, लेकिन जिसको आप नहीं सुनते हैं कल्पनाओं में, वो और ज्यादा मीठा या मधुर हो जाता है। उसके बाद ब्यूटी को ये ट्रुथ बोलते हैं, ठीक है, और ट्रुथ को ये ब्यूटी बोलते हैं। ये भी बहुत ही क्लिशे टाइप की लाइन है, कई बार पूछा गया है। जॉन कीट्स हमें अच्छे से पता है ग्रीक मिथोलॉजी या ग्रीक स्क्रिप्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और इन्होंने इवन ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ग्रीक मिथोलॉजी से ही लिया है। तो इन्होंने जो भी पोएम्स लिखा है ठीक वैसे ही लिखा है जैसे ग्रीक में लिखा जाता है। और ग्रीक जो राइटर्स होते हैं वो कभी भी फिलोसॉफिकल या स्पिरिचुअल मैसेज देने की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी की बात करते हैं। और जॉन कीट्स ने इस पोएम में ये समझ के तो बिल्कुल नहीं लिखा होगा, जो ब्यूटी होती है वो ट्रुथ होती है। ट्रुथ क्या होती है? वो सारी चीज होती है जो कभी बदलती नहीं, जो भी चीज बदल जाए वो ट्रुथ नहीं है। तो इस पूरे संसार में या पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज ट्रुथ है, एक तो सोल है, आत्मा है जो कभी नहीं बदलती है, और दूसरा सुप्रीम सोल है यानी परमात्मा है, वो भी कभी नहीं बदलता है। बाकी जितनी सारी चीजें हैं उसका रूप, रंग, आकार सब बदल जाएगा,
ठीक है, तो इतनी गहराई में जॉन कीट्स ने तो नहीं सोचा होगा, ये सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी की बात किए हैं। तो याद रखिएगा दोनों लाइन ओड ऑन ग्रेसियन अर्न से लिया गया है। इसके बाद ओड टू नाइटिंगल, ये भी जॉन कीट्स की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, हर एक लाइंस को पढ़ना है, प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। अभी तक कौन कौन से लाइन से प्रश्न पूछे गए वो मैं आपको याद दिला दूं। पहला लाइन है माई हार्ट एक्स एंड ड्राउजी नंबनेस पेन, पहली लाइन होती है। इसमें जॉन कीट्स नाइटिंगल के हैप्पीनेस को देखते हैं और फिर अपने दुख को देखते हैं, ठीक है, कि कितना दुख है उनके जीवन में। उसके बाद लाइन है वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आई, दाउ वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड, नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन। यहाँ पे नाइटिंगल को बोल रहे हैं कि तुम इमॉर्टल बर्ड हो, तुम मरने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट लाइन है आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट, शाम का समय हो गया है, जॉन कीट्स को दिखाई नहीं दे रहा है, वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि कौन सा फ्लावर्स उनके पैरों के पास है। हालांकि जो फ्लावर से फ्रेग्रेंस आ रही है उसको स्मेल कर पा रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज आर समर यू, ये लाइन ओनोमोटोपिया का एग्जाम्पल है और इस लाइन में जॉन कीट्स कह रहे हैं कि फियर वैसे ही उनके जीवन में है जैसे मच्छर समर आने से पहले आते हैं। और ये लास्ट लाइन है डू आई वेक आर स्लीप, तो जॉन कीट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि वो सोए हुए हैं या फिर जगे हुए हैं। ओड टू अ नाइटिंगल की लाइन है, 8 स्टेंजास होती है और हर एक स्टेंजास में 10 10 लाइंस होती हैं। नेक्स्ट लाइन है लेट द विंग्ड फैंसी रोम, प्लेजर नेवर इन एट होम, ओड टू फैंसी से ये लाइन लिया गया है, ठीक है, तो आसानी से ये पहचान में आ जाएगा। जॉन कीट्स के लिए कुछ स्टेटमेंट भी बोला गया है अलग अलग राइटर्स के द्वारा, वो भी आप याद रखिए, प्रश्न बनते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड जॉन कीट्स को बहुत पसंद करते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड ने जॉन कीट्स के लिए बोला है कि जॉन कीट्स एज अ पोएट इज एबंडेंटली एंड इंचैंटिंगली सेंसुअस। सेंसुअस का मतलब होता है जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन को अपील करें, ठीक है, तो जॉन कीट्स बहुत ज्यादा और इंचैंटिंगली मतलब बहुत आकर्षित करने वाले एक सेंसुअस पोएट है। उसके बाद इन्होंने एक लाइन और भी बोला है जॉन कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, फ्लिंट एंड आयरन नाम से एक छोटी सी इनकी ऐसे होती है और उसी में मैथ्यू अर्नोल्ड ने जॉन कीट्स को अप्रिसिएट करते हुए ये लाइन बोला है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक और स्टेटमेंट दिया है, जॉन कीट्स को कहते हैं कि वो शेक्सपियर के साथ है, यानी जॉन कीट्स की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो विलियम शेक्सपियर के साथ मैच खाती है, इसलिए मैथ्यू अर्नोल्ड ने जॉन कीट्स को शेक्सपियर के साथ बोला है। पीपी शैली ने जॉन कीट्स को ग्रीक बोला है, कारण आप समझ सकते हैं जॉन कीट्स ग्रीक मिथोलॉजी या लिटरेचर से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि जॉन कीट्स के बहुत सारे वर्क्स की जो थीम होती है या फिर सोर्सेस होते हैं वो ग्रीक मिथोलॉजी या लिटरेचर से ही आते हैं, इसीलिए पीपी शैली ने जॉन कीट्स को ग्रीक बोला है। और पीपी शैली ने जॉन कीट्स को बोला है कि वो इनहेरिटर्स हैं, उत्तराधिकारी हैं अनफुलफिल्ड रिनाउन के, अधूरे साम्राज्य के। नेक्स्ट पॉइंट है पीवी शैली जॉन कीट्स के पोएट्री को ना सिर्फ डिसमिस करते हैं लेकिन डिसलाइक भी करते हैं। हालांकि जॉन कीट्स के पोएट्री में ट्रांसेंडेंटल जीनियस मिलता है, ट्रांसेंडेंटल का मतलब भौतिक जगत से बाहर की बात जॉन कीट्स अपने पोएट्री में करते हैं, उसके बावजूद भी पीवी शैली जॉन कीट्स के पोएट्री को सिर्फ इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि जॉन कीट्स के पोएट्री में रिवोल्यूशनरी स्पिरिट की कमी होती है। एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए, पीवी शैली और जॉन कीट्स हालांकि अच्छे मित्र होते हैं लेकिन इनके आइडियोलॉजी में अंतर होता है। पीवी शैली याद रखिएगा समाज से बहुत ज्यादा त्रस्त था, इनकी खुद की लाइफ बहुत सारे अपहिवल से भरी थी और ये पूरे समाज को ही बदलना चाहते हैं, इसलिए पीवी शैली के पोएम में आपको रिवोल्यूशनरी स्पिरिट मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ जॉन कीट्स वो लवर ऑफ ब्यूटी था और वो भी समाज से काफी त्रस्त था, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, ब्रदर की डेथ हो गई थी, फ्रेंड्स की डेथ हो गई थी, लव अफेयर्स में भी उसको सफलता नहीं मिली और उसके अलावा उसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, ट्यूबरक्लोसिस से वो खुद ग्रसित था, तो वो भी समाज से बहुत ज्यादा तंग था। लेकिन जॉन कीट्स पूरे समाज को बदलना नहीं चाहता था, वो जब बहुत ज्यादा दुखी होता था तो वो स्केप कर जाता था, उसको स्कैपिस्ट बोलते हैं, कुछ समय के लिए वो पोएट्री की मदद से वो इस समाज से ही बाहर चला जाता था और फिर वापस आ जाता था। तो ये इन दोनों में अंतर है, ठीक
ठीक है, इसीलिए पीवी शैली जॉन कीट्स को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो समाज को बदलने की बात नहीं करता था, लेकिन वो स्केपिज्म की बात करता है। पीवी शैली के लिए बोला जाता है कि हेवन से अर्थ को जाते हैं, और वहीं जॉन कीट्स को बोला जाता है अर्थ से हेवन में जाते हैं अपने कर्मों से। ठीक है, यानी पीवी शैली का डिमोशन होता है और वहीं जॉन कीट्स का प्रमोशन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जॉन कीट्स वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिस्ट। ये स्टेटमेंट डब्ल्यू जे लॉन्ग ने जॉन कीट्स के लिए बोला है। नेक्स्ट लाइन है, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वॉटर। ये स्टेटमेंट जॉन कीट्स के टूम यानी उनकी कब्र पर लिखा गया है, पीजीटी 10 में भी पूछा गया है। जॉन कीट्स की एक सिंगल लिरिकल ड्रामा होती है और वो होती है ओथ ऑफ द ग्रेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इसको 1819 में जॉन कीट्स ने लिखा था और ये 5 एक्ट की इनकी एक लिरिकल ड्रामा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन कीट्स को कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री का मेंबर बोला जाता है। हालांकि कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री के जो चीफ होते हैं वो होते हैं ले हंट। एक्चुअली क्या होता है, 1817 में क्वार्टरली रिव्यू के क्रिटिक होते हैं जॉन लॉकहार्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये खास करके ले हंट की पोएट्री को कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री बोलते हैं। कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री का मतलब लो लेवल की पोएट्री। ठीक है, तो बाद में इस कैटेगरी में जॉन कीट्स, बीबी शैली और बाद में विलियम हैजलेट के पोएट्री को भी शामिल कर लिया गया है, तो इसीलिए जॉन कीट्स को बोला गया है कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री का मेंबर। आज के सेशन की जो लास्ट पॉइंट है, इसमें जॉन कीट्स ने एक टर्म को विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कॉइन किया है, वो है इगोटिस्टिकल सबलाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जॉन कीट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइन बोला है। इसका मतलब क्या होता है, यानी जो भी पोएट इगोटिस्टिकल सबलाइन होगा वो नेचर को ज्यादा प्रियोरिटी पे रखेगा। ठीक है, यानी रीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाएगा, नेचर को दिया जाएगा। इसमें क्या करता है पोएट, नेचर के ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को भी थीम बनाकर वो पोएम लिख देता है, और ऐसा कौन करता था, विलियम वर्ड्सवर्थ करते थे। तो देखो, इस तरह से हम लोगों ने जॉन कीट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, इनको सिर्फ आपको तैयार करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।